नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश डायरी में। मैं हूं आपकी दोस्त साविता ठाकुर। एक बार फिर से हाजिर हूं आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और देश विदेश की खबरों के साथ जो आपके हित से जुड़ी है। चाहे बात हो किसान की, पर्यावरण की हो या फिर आपके शहर की हो, हम हर मुद्दे पर करेंगे बात इस कार्यक्रम के जरिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आपके चहेते शो देश डायरी ने 200 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। हमें ये बताते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी दुआएं और आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ रहा, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका साथ यूं ही हमारे साथ बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं देश डायरी की कुछ नई खबरों के साथ। लगता है कि अगला वित्त वर्ष देश के किसानों के लिए जबरदस्त खुशियां लेकर आने वाला है। केंद्र सरकार ने अगले साल के बजट में खेती और किसानों के लिए बहुत सी घोषणाएं की हैं, और इस क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले कर्ज की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दी है, और किसानों को ये कर्ज 7% के ब्याज पर मिलेगा। सब्सिडी, प्रोत्साहन वगैरह को अगर जोड़ा जाए तो किसानों के लिए ये ब्याज दर करीब 4% ही बैठती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट की घोषणा करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में मॉनसून के बेहतर रहने से कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1% रहेगी। खरीफ और रबी दोनों फसलों की बुआई अधिक रही है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल शुरू की गई नई फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इस वित्त वर्ष में आवंटन बढ़ाकर 13,240 करोड़ रुपए किया गया है, जो बजट प्रस्ताव में पहले 5,500 करोड़ रुपए ही था। अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में इस योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा सत्र 2016-17 में 30% फसल क्षेत्र से बढ़ाकर सत्र 2017-18 में 40% और सत्र 2018-19 में 50% किया जाएगा। सिंचाई को केंद्रित करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि अलग से 5,000 करोड़ रुपए के कोष से सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया जाएगा। किसानों के लिए डेयरी अतिरिक्त आय का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में सरकार 2,000 करोड़ रुपए की शुरुआती कोष से डेयरी प्रसंस्करण कोष गठित करेगी, जिसे 3 साल में बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। उन किसानों के लिए एक अच्छी जानकारी है जो किसान क्रेडिट कार्ड से खाद खरीदते हैं, और वो ये है कि खाद के भंडारण को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम भंडारण योजना के तहत उठाने वाले हजारों किसानों के ब्याज का करीब 100 करोड़ रुपए सरकार माफ करेगी, जो सीधे किसानों के खातों में भेजा जाएगा। लेकिन अभी किसानों को सिर्फ 14.50 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया जाएगा। इसका मुख्य कारण ये भी है कि कुछ राज्यों में चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। किसानों का जो भी पैसा बचा हुआ है वो आचार संहिता खत्म होने के बाद इन किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार अग्रिम भंडारण स्कीम संचालित करती है, ताकि किसानों को सही वक्त पर उर्वरक की किल्लत न हो। इस संबंध में उत्तर प्रदेश का कुल बजट 100 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 15 करोड़ रुपए का बजट आचार संहिता लगने से पहले 6 जनवरी को जारी कर दिया गया है। जहां पिछले साल चने की दाल के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं इस साल ये काफी सस्ती हो गई है। हाल के 2-3 हफ्तों में चने दाल के कीमतों में 66% की गिरावट आई है। जनवरी की शुरुआत में थोक में 120 रुपए किलो बिकने वाली चना दाल की कीमत घटकर 80 रुपए तक पहुंच गई है। व्यापारियों के अनुसार बाजार में नई उपज आने वाली है, और व्यापारियों के पास अभी चने का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जिस वजह से व्यापारी जमा स्टॉक खाली करने में लगे हुए हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 15 दिनों में चना दाल की कीमत 70 रुपए किलो तक जाने वाली है। आपको बता दें कि चने के साथ साथ तुअर और उड़द दाल भी सस्ती हो गई है। चालू रबी सीजन में सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में सरसों की बुआई में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हरियाणा में इसकी बुआई पिछले साल की तुलना में घटी है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में सरसों की कुल बुआई बढ़कर 70.51 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसकी बुआई 64.51 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई थी।
मंत्रालय के मुताबिक प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान में चालू रबी में सरसों की बुआई बढ़कर 27.98 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इसकी बुआई केवल 25.43 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई थी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सरसों की बुआई बढ़कर 11.89 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 11.23 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हो पाई थी। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां सरसों की बुआई पिछले साल के 6.25 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 7.23 लाख हेक्टेयर में हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में चालू रबी में 4.89 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है। देखा जाए तो हरियाणा में चालू रबी में सरसों की बुआई अभी तक 5.37 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसकी बुआई 5.80 लाख हेक्टेयर में हुई थी। इसके अलावा असम में सरसों की बुआई 3.02 लाख हेक्टेयर में, गुजरात में 2 लाख हेक्टेयर में, झारखंड में 2.70 लाख हेक्टेयर में और ओडिशा में 1.08 लाख हेक्टेयर में हुई है। कृषि मंत्रालय ने चालू रबी सीजन में सरसों के उत्पादन का लक्ष्य 85 लाख टन का तय किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मसूर की बुआई में बढ़ोतरी हुई है, जबकि बिहार में इसकी बुआई में थोड़ी कमी आई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी सीजन में अभी तक देश भर में मसूर की बुआई बढ़कर 16.64 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसकी बुआई केवल 13.67 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई थी। अगर बात करें प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की तो यहां मसूर की बुआई का रकबा बढ़कर 6.63 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले साल इस समय तक राज्य में केवल 4.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुआई हो पाई थी। उधर मध्य प्रदेश में भी चालू रबी सीजन में मसूर की बुआई बढ़कर 5.86 लाख हेक्टेयर में हो गई है। बिहार में चालू रबी सीजन में मसूर की बुआई पिछले साल के मुकाबले 2.14 लाख हेक्टेयर से घटकर 2.13 लाख हेक्टेयर में हुई है। पश्चिम बंगाल में मसूर की बुआई बढ़कर 1.13 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल केवल 0.85 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई थी। अगले 5 सालों में हरियाणा में बागवानी के तहत आने वाले इलाके का रकबा बढ़ाया जा सकता है। अभी इस राज्य में करीब 4.90 लाख हेक्टेयर इलाके में बागवानी की जा रही है, जिसे अगले 5 सालों में बढ़ाकर 7 लाख किया जाएगा। चंडीगढ़ में आयोजित एक सम्मेलन में राज्य के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ये जानकारी दी है। इस सम्मेलन में कृषि मंत्री ने कहा कि जब तक किसान बाजार को नहीं समझेंगे तब तक वे अपने कृषि उत्पादों की बिक्री सफल तरीके से नहीं कर सकेंगे। किसानों को अपनी खुद की ब्रांडिंग करनी होगी, मंडी की पहचान करनी होगी और फसलों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान भी देना होगा। इन्होंने कहा कि दिल्ली के आसपास लगभग 4 करोड़ आबादी रहती है, जहां पर किसान अपनी पैदावार को आसानी से बेच सकते हैं। बागवानी के इलाके बढ़ाने के लिए 340 गांवों की पहचान कर ली गई है। इसके साथ ही किसान समूह के लिए राज्य में एक विशेष योजना 510 करोड़ रुपए से जल्द ही अमल में लाई जा रही है और मार्केटिंग सुनिश्चित करने के लिए एग्री बिजनेस स्कूल की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें किसान भी दाखिला ले सकेंगे। झारखंड सरकार ने डेयरी को कृषि का दर्जा देने का फैसला किया है और इसे सरकार की प्राथमिकता क्षेत्र में भी शामिल किया जाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से गाय पालन में लगे लोगों को कम ब्याज दर पर बैंकों से कर्ज मिल सकेगा और साथ ही इन्हें कम दर पर बिजली और किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी मिल पाएगा। इसके साथ ही बैठक में ये भी तय किया गया है कि उपायुक्त अब खनिज क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक की योजना को मंजूरी दे सकेंगे। इससे अधिक की योजनाओं को संबंधित विभाग का तकनीकी सेल मंजूरी देगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जनधन खाता धारकों को केंद्र सरकार ने क्या तोहफा दिया है। इसके साथ ही हम आपको भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप के बारे में भी बताएंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। गेहूं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री लगातार बढ़ रही है।
एफसीआई की तरफ से जनवरी के शुरू के चार हफ्तों में करीब 3.41 लाख टन की बिक्री की गई है। एफसीआई के अनुसार जनवरी के शुरू के तीन हफ्तों में एफसीआई की तरफ से 2.63 लाख टन और चौथे हफ्ते में 78,000 टन की बिक्री हुई है। साथ ही दिसंबर के दौरान एफसीआई ने ओएमएसएस के तहत खुले बाजार में 4.25 लाख टन गेहूँ की बिक्री की थी। यानी रबी मार्केटिंग सीजन 2016-17 में जनवरी के चौथे हफ्ते तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 40.76 लाख टन गेहूं की बिक्री की है, जिसमें से 34.43 लाख टन की खरीदारी निजी कंपनियों ने की है, 5.66 लाख टन की खरीदारी राज्य सरकार ने की है और 66,250 टन की बिक्री डेडिकेटेड मूवमेंट के तहत हुई है। एफसीआई की बिक्री में कुछ कमी आने से भाव में उछाल आया था, जिसके बाद एफसीआई ने अब ओएमएसएस के तहत बिक्री को बढ़ाया है, जिससे भाव कुछ कम हुए हैं। जनधन खाता धारकों को केंद्र सरकार एक तोहफा देने जा रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार गरीबों के लिए एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम लाने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट होल्डर्स को 3 साल तक 2 लाख तक का बीमा कवर देगी। साथ ही केंद्र सरकार इसके जरिए गरीबों के सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी। गौरतलब है कि जनधन योजना के तहत 27 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, इनमें से 16 करोड़ आधार से जुड़े हुए हैं। अगर इंश्योरेंस स्कीम के तहत एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस कवर दोनों दिया जाए तो इससे सरकार पर 9000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, उसके लिए शुरुआती तौर में 330 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा के लिए सालाना 12 रुपए देने पड़ते हैं। इसमें एक्सीडेंटल, डेथ कवर और डिसेबिलिटी शामिल है। दोनों ही मामलों में 2 लाख रुपए तक का लाभ बीमा धारकों को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में इस बार रबी सीजन की अलसी की खेती लगातार घट रही है। अलसी की पैदावार के साथ साथ बुआई का क्षेत्रफल भी घट रहा है। हाल कुछ ऐसा है कि प्रदेश के 17 मंडलों में से 6 मंडलों में इस बार इसकी बुआई शून्य हुई है। बात अगर उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों की करें, तो उसके मुताबिक सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली और मुरादाबाद मंडल में अलसी की बुआई नहीं हुई है। 10 मंडलों में जहां अलसी की बुआई हुई है, उनमें से मिर्जापुर मंडल में सबसे ज्यादा 15.662 हजार हेक्टेयर में बुआई हुई है। दूसरे नंबर पर चित्रकूट मंडल है, जहां पर 14.591 हजार हेक्टेयर में अलसी की बुआई हुई है। अगर बात करें पूरे प्रदेश की, तो प्रदेश में इस बार कुल 38.223 हजार हेक्टेयर में अलसी की बुआई हो चुकी है। आपको बता दें कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अलसी की खेती सबसे ज्यादा होती है। बिहार के उन किसानों के लिए एक अच्छी जानकारी है जिनकी फसलें पानी की कमी के कारण खराब हो जाती थी, और वो ये है कि यहाँ की सरकार ने किसानों के फसलों की सिंचाई की उचित सुविधा के लिए बिहार शताब्दी नलकूप योजना की शुरुआत की है, ताकि पानी के अभाव में किसानों की फसलें बर्बाद ना हो। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को निजी बोरिंग और पंप सेट के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत नलकूप लगाने पर 50% का अनुदान किसानों को मिलेगा। यह अनुदान की राशि सीधे उनके खातों में डाली जाएगी। यहाँ के बक्सर जिले में अब तक 800 किसानों ने नलकूप योजना के लिए आवेदन कर दिया है। इस संबंध में लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार का कहना है कि इस योजना के तहत किसानों के पास 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए और इस जमीन पर किसी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए। बिहार शताब्दी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने क्षेत्र के वीडियो या प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ आवेदन लेकर देंगे, जहाँ से अनेक आवेदन को लघु सिंचाई विभाग को भेजा जाएगा। जिस जगह पर बोरिंग करानी है, उसकी जांच लघु सिंचाई विभाग के द्वारा की जाएगी, लेकिन इनमें वीडियो और कृषि समन्वय एवं किसान सलाहकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उत्तर प्रदेश के किसान रेगिस्तान में जाकर सब्जियां उगा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश से खेती करने मारवाड़ गए किसानों ने यहां ओसिया उपखंड क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाना शुरू किया है। इससे पहले भी कुछ किसानों ने
में यहाँ बारिश और गर्मी के सीजन में सब्जियाँ उगाई हैं, पर इस बार सर्दियों में भी सब्जियों की खेती की जा रही है। आपको बता दें कि पाले से फसलें खराब हो जाती हैं, इसलिए किसान इन सब्जियों को सर्दी और पाले से बचाने के लिए लंबी घास की दीवार बना रहे हैं, क्योंकि रेतीली धारों की वजह से यहाँ का तापमान काफी घटता बढ़ता रहता है। इस राज्य के पड़ासला, रायमलवाड़ा, तापू, खिंदाकोर, पुनासर, कपूरिया सहित अन्य गांवों में किसान करेला, तुरई, घिया, तरककड़ी, खरबूजा, तरबूज, टिंडा, टमाटर आदि सब्जियां उगा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास एपिसोड में। आप देख रहे हैं देश जारी का 200वां एपिसोड। देश में मक्का उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य बिहार में इस साल मक्का का उत्पादन ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार कृषि विभाग की ओर से जारी 2016-17 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में रबी मक्का की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले करीब 6% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस साल 10.50 लाख टन मक्का पैदा होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल रबी सीजन के दौरान राज्य में करीब 9.87 लाख टन मक्का का उत्पादन हुआ था। राज्य में रबी सीजन के दौरान मक्का के अलावा गेहूं की खेती भी होती है और इस साल गेहूं का उत्पादन लगभग पिछले साल के बराबर ही रहने का अनुमान है। हाल के कुछ सालों में देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गौवंश की आबादी बढ़ने के बाद भी देसी खाद के प्रयोग में काफी कमी आ रही है। किसान देसी खाद के प्रयोग के बदले रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन घट रही है। लखनऊ के पशु चिकित्सा अधिकारी वीके सिंह के मुताबिक साल 2007 में हुई पशु गणना के तहत प्रदेश में 1,91,00,000 गौवंश थे, जबकि साल 2012 की पशु गणना में ये संख्या बढ़कर 1,95,57,000 हो गई, जिससे पता चलता है कि प्रदेश में पशुओं के संरक्षण के लिए पशुधन जैसी योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन बजाय इसके किसान अधिक और अच्छे उत्पादन के लिए प्राकृतिक गोबर खाद की जगह बाजारों में मिलने वाली महंगी खाद और उर्वरकों को बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। भारत इस समय रासायनिक खादों की खपत करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सिंचाई सुविधा के लिए झारखंड के किसानों का लंबे समय का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कुनार सिंचाई योजना पहली बार खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि नहर की 4,317 मीटर की मुख्य नहर में से अभी 60 मीटर का निर्माण कार्य बचा है, पर वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद डैम का पानी नहर के रास्ते खेतों तक पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल इस नहर के जरिए 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। इस योजना से झारखंड के विष्णुगढ़, डुमरी और बगोदर ब्लॉक के गांव भी लाभ उठा सकेंगे, जो कि डैम के 70 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित हैं। कार्य पूर्ण होने पर लगभग 62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA अपने निर्माण में पर्यावरण मानकों का पूरा ख्याल रखेगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। राष्ट्रीय मंडल खेल गांव में तय मानकों से अधिक निर्माण और पर्यावरण नियमों की अनदेखी को लेकर DDA की खास किरकिरी हो चुकी है। इसलिए स्मार्ट सिटी का निर्माण हो या फिर अन्य आवासीय परिसर का, इन सभी में पर्यावरण नियमों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। DDA नरेला, द्वारका और रोहिणी में स्मार्ट सिटी बनाने जा रहा है। इसी तरह से कड़कड़डूमा और संजय झील के पास भी स्मार्ट सिटी विकसित करने की योजना है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में आवासीय योजना पर काम चल रहा है। निर्माण के दौरान भी पर्यावरण को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। DDA के अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार बनने वाली इमारतों को मिलने वाला लाभ सिटी के सभी लोगों को मिलेगा। पर्यावरण अनुकूल निर्माण के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर तय मानक से ज्यादा ऊंचाई वाली इमारतें नहीं बनेंगी। इसी तरह फ्लोर एरिया अनुपात का भी सख्ती से पालन किया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि नरेला में डीडीए तेजी से निर्माण के लिए योजना बना रहा है। इससे जुड़े प्रस्ताव पर कुछ शर्तों के साथ दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन से मंजूरी भी ले ली गई है। लखनऊ के किसानों द्वारा खेतों में इस्तेमाल किए जा रहे हाइब्रिड बीजों का असर शहद उत्पादन पर पड़ रहा है, जिसके कारण मधुमक्खियों के परागण में कमी आ रही है। देसी बीजों के मुकाबले अधिक मात्रा में हाइब्रिड बीजों से तैयार होने वाली फसलों के फूलों में कम पराग होता है। आपको बता दें कि मधुमक्खियां हाइब्रिड बीजों से तैयार होने वाली फूलों के जरिए केवल 15 से 20 दिन तक ही उनसे अपना भोजन प्राप्त कर सकती हैं, जबकि देसी बीजों के फूलों से मधुमक्खियां 1 से 1.5 महीने तक पराग ले सकती हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खी पालक परागण के लिए जगह जगह पलायन करने को मजबूर है। मधुमक्खी पालकों के मुताबिक कई कंपनियां भी हाइब्रिड बीजों को बढ़ावा दे रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2 फरवरी 2017 को दिल्ली के दी अशोका होटल में महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2017 का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह। इस कार्यक्रम में देश के 60,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें 16 किसानों को पुरस्कार दिया गया। अवार्ड्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। हर कैटेगरी में 3 रीजनल और 1 नेशनल विजेता को सम्मानित किया गया। रीजनल विजेताओं को 50,000 रुपए के साथ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी दिया गया। अवार्ड्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। हर कैटेगरी में 3 रीजनल और 1 नेशनल विजेता को सम्मानित किया गया। रीजनल विजेता को 50,000 रुपए के साथ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, तो वहीं नेशनल विजेता को 2,11,000 रुपए के साथ ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी दिया गया। महिंद्रा के एग्री बिजनेस डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक शर्मा ने बताया कि महिंद्रा ने किसानों के लिए माई एग्री गुरु नाम की ऐप को लॉन्च किया है। तो फ्यूचर में ये कोशिश रहेगी हमारे कि कैसे अपना प्रोत्साहित किया जाए किसानों को, और हम अभी और इनोवेशन डिजिटल और कैसे हम नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा पाएँ, नए नए आधुनिक प्रैक्टिसेस को हम इनक्रेज करना चाहते हैं, और ये जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं हम इसको पूरे विश्व पूरे इंडिया में उसको हम प्रचार करते हैं। हमारे करीब 300 समृद्धि सेंटर्स हैं, तो उसके द्वारा हम इनको प्रमोट करते हैं। कार्यक्रम के दौरान राधामोहन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि के विकास के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। साल 2016-17 के बजट में कृषि मंत्रालय के लिए 44,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे बढ़ाकर इस साल के बजट में 51,026 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल हमारी आज की देश जारी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ग्रीन टीवी, और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे 200 एपिसोड पूरे करने के लिए।